वायुमंडल विच फैलियां हानिकारक गैसा ने वर्खा दे पानी नू भी तेजाबी बना दिता है। डंडी इत्थे ए समझना अत्यंत जरूरी है कि गुरु नानक देव जी वल्लों पपीहे दी दित्ती गई उदाहरण के सवंती बूंद बिना जिवें बाकी पानी उस दी प्यास नहीं बुझाउंदा भाव तृप्त नहीं करता, इसे प्रकार धरती हेठले जल भंडार विच पीण योग पानी थोड़ी जही मात्रा विच ही है। डंडी जेकर पीण योग पानी असी लगातार प्रदूषित करते रहे जां दुरवरतों करके उजाड़ते रहे तां सानू पपीहे दी सवंती बूंद वांग पीण योग पानी लई वड्डी मुशक्कत करनी पिया करेगी। डंडी इत्थे गुरु साहिब जी ने मात्रा दी जगह गुणवत्ता दा गोहज समझाया है। डंडी साढ़े कोल जे पीण योग पानी ना रहा तां गटारां छप्पड़ां झीलां नदियां विच जहरीला गंदला नमकीन पानी किन्ना भी पिया रहे फिर असी पी नहीं सकांगे, जे पीता तां जीवत नहीं रह सकांगे। डंडी पानी बिना प्यास नहीं बुझदी, सारी जगत उत्पत्ति पानी नाल ही होई है। पानी तो अनाज गन्ना अते कपाह पैदा होए, पानी तो ही तिन्ने जहान उत्पन्न होए गिने जाते हैं। पानी कनेरा गुणवान है। डंडी बनस्पति जिस दा अंकुर जमीन पाड़ के निकलता है, जेकर पानी रेडी ना होवे बनस्पति दा उगना ते वदना फुलना संभव नहीं। जिमें दुध बिना गां खंभा बिना पंछी नहीं हुंदा, इसे तरह पानी बिना कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। डंडी बनस्पति पेड़ पौधे वेल बूटे खेती आदिक ते अंडज जेरज सेतज उत्पुज राही पैदा होने वाला जीवन संभव नहीं। पानी साडा मुढ़ला अधिकार है, ए अमोलक दात है, इसनू मुल खरीदना ते वेचना साडे लई असंभव होवेगा। डंडी एक दिन ऐसा आवेगा जदों कुदरत दे जल स्रोत खत्म होण कंडे होए तां आपा तापी पै जावेगी। डंडी पानी नू खरीदना आम गरीब वर्ग ते छोटे गरीब कबीलियां अते देशां लई असंभव होवेगा, इस लई साडे समाज दे विद्वाना विचारवाना साइंसदाना अते समझदार वर्ग नू अपना फर्ज समझदे होए पानी दी सही वरतों अते संभाल लई यतन आरंभ देने चाहिदे हन। डंडी जल शीतल है, एही सब कायनात विच ठंड वरता सकदा है। बरसाती पानी दी संभाल अते जमीन दोज पानी दी वरतों कीती जा सकदी है। डंडी मीह दा पानी पुराने बोरां खूहां राही जमीन विच भेजण तों पहलां रेत बजरी कोले दे फिल्टरां विचों कढ के जमीन विच भेजना चाहिदा है। पानी दी बेरहमी नाल हो रही वरतों नूं रोकना
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡੰਡੀ